दो हफ्ते हो गए क्या? एक्सक्यूज मी, दो हफ्ते हो गए क्या? 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 ए, दो हफ्ते हो गए क्या? दो हफ्ते हो गए क्या? हाँ हो गए, क्यों? Myself बलगम भाई, ये खांसी जो दो हफ्ते से ज्यादा हो तो हो सकती है टीबी। फिकर नॉट, नजदीकी डीएमसी यानी बलगम जांच केंद्र जाइए और अपने बलगम की जांच करवाइए। थैंक यू बलगम भाई। मेंशन नॉट रघु और राघव में बहुत कुछ एक समान, दोनों गप्पी, दोनों का अड्डा चाय दुकान, दोनों को फिल्मों का पुराना बुखार, दोनों का पसंदीदा एक्टर सलमान खान, और तो और दोनों को बिल्कुल एक सी ही खांसी, खांसते खांसते हुए परेशान। बलगम की जांच हुई तो निकली टीबी, दोनों ने शुरू किया डॉट्स कोर्स एक समान, रघु ने तो पूरा किया कोर्स मगर राघव बीच में ही बंद की दवाई, सोचा अब क्या काम, दोनों में बहुत कुछ एक मगर अब है एक फर्क, रघु हो गया चंगा पर राघव की टीबी ना छोड़े जान। मैंने टीबी का कोर्स बीच में छोड़ दिया, अब ये टीबी मुझे नहीं छोड़ रही। अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो तुरंत बलगम की जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी एमडीआर टीबी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। अरे बहू, खाना तैयार हुआ क्या? क्या हुआ? क्या हुआ बहू, इतनी खांसी? अरे रुक जा बहू, क्या बात है? कुछ भी नहीं, सच सच बता। मुझे टीबी है। टीबी? और मुझसे छुपाया? माँ जी, मुझे डर था आप मुझे वापस मायके ना भेज दे, मेरी एक सहेली के साथ ऐसा ही हुआ था। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। अरे टीबी भी कोई ऐसी बीमारी है जिसे छुपाना पड़े? तुझे पता है कभी मुझे भी टीबी थी। माँ जी। हाँ, पड़ी कहीं। टीबी छूने, साथ खाना खाने या साथ रहने से नहीं फैलता। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। क्या हाल है भाई, आइए संतोष बाबू। नहीं तो टीबी का इलाज कठिन हो जाता है, डॉट्स पूरा कोर्स पक्का इलाज। संतोष बाबू, अब तो तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। अरे इलाज तो ठीक से चल रहा है ना? बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा भी खानी छोड़ दी है। मतलब डॉट्स का कोर्स बीच में ही छोड़ दिया? हाँ, जब दो महीने में इतना आराम आ गया तो फालतू में 6-8 महीने क्यों दवा खाऊं? अबे ये स्विंग बनानी मुझे सिखानी पड़ेगी क्या? अधूरी छोड़ दी दाढ़ी, पूरी शक्ल का तो सत्यानाश कर दिया। कमाल है, शेप जैसी छोटी चीज की परवाह है, जिंदगी की परवाह नहीं। सुना नहीं क्या, रेडियो पर सारा सारा दिन बताते हैं इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी ला इलाज हो जाएगी, कल ही डॉट सेंटर चले जाना। कल नहीं, अभी। डॉट्स का कोर्स अधूरा ना छोड़े, ये कोर्स 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रहे, पूरा कोर्स पक्का इलाज। लो, मुझे भी मेहंदी लगा दो। अरे वाह भाभी, आज तो बड़ी जच रही हो और सेहत में भी काफी सुधार लग रहा है। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है कि अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है। पर भाभी, टीबी का इलाज तो 6 से 8 महीने लगातार चलता है ना, इसका मतलब आपने डॉट्स का कोर्स अधूरा छोड़ दिया। बताया तो, तबीयत में काफी सुधार है, फिर रोज रोज ये दवाइयों से पेट क्यों भरूं? भाभी हो गया। ये क्या, अधूरा क्यों छोड़ा? पूरा करो तभी तो बात बनेगी। भाभी, डॉट्स का कोर्स अधूरा छोड़ती हो और सोचती हो बात बन जाएगी, क्या तुम्हें पता नहीं कि टीबी का अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज। कल ही डॉट्स सेंटर चली जाना। कल नहीं, अभी। डॉट्स का कोर्स अधूरा ना छोड़े,
ये कोर्स 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। पूरा कोर्स पक्का इलाज। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। क्या गोपी, तू भी इस चक्कर में पड़ गया? तुझे पता है उसे टीबी है। तो क्या? अरे ज्यादा उसके साथ रहेगा तो तुझे भी टीबी हो जाएगी। तुझे कैसे पता? मेरे पापा ने बताया। गोपी, तूने अपना होमवर्क कर लिया? गोपी, गोपी कौन आवाज कर रहा है वहां पर? पता है अतुल को तो टीबी हो गई है। टीबी? और संजय ने भी मुझे उसके साथ बैठने से मना किया है। ठीक ही कहा संजय ने, मत बैठना तू अतुल के पास। और एक बात बता गोपी, तेरे मास्टर जी ने अभी तक मना नहीं किया कि अतुल स्कूल ना आए? नहीं, पता नहीं। सुना आपने? क्या हुआ? गोपी कह रहा है कि अतुल को टीबी हो गई है। टीबी हो गई है? हाँ, और मास्टर जी ने अभी तक मना भी नहीं किया उसे स्कूल आने से। अच्छा, मैं कल तेरे स्कूल आकर मास्टर जी से मिलूंगा। संजय और रचना के पापा को भी लेता जाता हूँ। देखता हूँ कैसे आता है अतुल स्कूल कल। मास्टर जी, स्कूल में एक बच्चे को टीबी है और आपने अभी तक उसे स्कूल आने से नहीं रोका। और हम इसमें क्या करते हैं? मास्टर जी, अगर बाकी बच्चों को टीबी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप या आपका स्कूल? देखिए समझने की। अगर अतुल स्कूल आया तो हम सब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हम नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हम नहीं भेजेंगे। गेंद तो बीमारी की तरफ चली गई। बीमारी, गेंद देना। अरे अतुल, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है? तू इतनी जल्दी क्यों स्कूल से आ गया बेटा? क्या हुआ अतुल, कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? अतुल बेटे, कैसा है? अपनी आशा दीदी से भी बात नहीं करोगे? देखिए ना दीदी, कल स्कूल से जल्दी आ गया था और तब से एकदम चुपचाप है। बस एक ही बात की रट लगा के बैठा है कि अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। इसके पापा भी कितनी बार पूछ चुके हैं पर यह है कि कुछ बताता ही नहीं है। अतुल, क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, अपनी आशा दीदी को भी नहीं बताओगे? स्कूल में सबको पता चल गया है कि मुझे टीबी है। तो स्कूल का हर बच्चा हर समय मुझे बीमारी बीमारी कह के परेशान करता है। कोई मेरे साथ उठता बैठता भी नहीं है और ना ही खेलता है। तुम क्यों चिंता करते हो?
मैं हूं ना, हाँ मैं जाकर मास्टर जी से खुद बात करूंगी। ठीक है, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, हमारे गांव के आशा दीदी आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार आशा दीदी। नमस्कार, आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, अतुल के साथ जो भी स्कूल में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जरा सोचिए, इस बच्चे के नन्हे से मन पर इस बात का कैसा असर पड़ा होगा। अपने बच्चे को उस बच्चे की जगह पर रख के देखिए और सोचिए, क्या ये सही है? देखिए, सही गलत हम नहीं जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि अतुल के स्कूल में आने से उसकी बीमारी हमारे बच्चों को भी लग सकती है। गलत, आप लोग बात को जाने बिना ही कुछ भी बोल रहे हैं। अतुल एक महीने से पूरी डॉट्स की खुराक ले रहा है। अगर डॉट्स की पूरी खुराक ले रहा है तो उसे घर पर ही रहना चाहिए। हमारे बच्चों को अगर बुखार आता है तो हम उन्हें दवाई देकर स्कूल नहीं भेजा करते, बल्कि अपने घर पर ही रखते हैं। गलत सोचना है आप लोगों का। टॉर्च की खुराक शुरू होते ही टीबी के मरीज से टीबी के संक्रमण फैलना बंद हो जाते हैं। लेकिन हम इस बात को कैसे मान लें और कैसे जानबूझकर अपने बच्चों को बीमारी के हवाले कर दें? देखिए, डॉट्स वो प्रणाली है जो टीबी को जड़ से खत्म कर देती है। इसी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा हमें विशेष ट्रेनिंग दी गई है। कुछ ही महीने में अतुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे आप सबके तिरस्कार की नहीं, प्यार की ज्यादा जरूरत है। हम तो इस बात से घबरा रहे थे कहीं हमारे बच्चों को टीबी ना हो जाए, लेकिन आपकी बात सुनकर हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि अतुल की टीबी से हमारे बच्चों को कोई खतरा नहीं है। नमस्कार, ये थी नन्हे अतुल की कहानी। टीबी की वजह से जो उसके साथ भेदभाव हो रहा था वो गांव की आशा दीदी के थोड़े से प्रयास से दूर हो गया। लेकिन अतुल की तरह कई और टीबी के मरीज हैं जिन्हें इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि शहर के इस जाने माने दफ्तर में काम करने वाली सीमा की कहानी। मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना था, तुम प्लीज किसी और फोन से कॉल कर लो। हेलो राजी, मैंने तुम्हें फाइल भिजवाई थी, रेडी है? हे गाइस, कम ऑन, हरी। सीमा, बुरा मत माना, अगर तुम्हें भी सोचना चाहिए कि तुमको टीबी है। सीमा प्लीज, तुम्हें ये बाथरूम अवॉइड करना चाहिए। हम सबके बारे में सोचो, तुम कॉमन बाथरूम क्यों नहीं यूज करती हो? हाँ
Your stuff is under the stairs. सर मैंने बहुत पहले ही जॉब छोड़ दिया होता। अगर ईएमआईज और लोन रीपेमेंट्स के प्रेशर्स ना होते तो मैंने बहुत पहले ये रेजिग्नेशन दे दिया होता सर। बिकॉज़ सर ऑफिस में रिलैक्स सिट डाउन सिट। देखो सीमा, आई नो कि ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस वजह से तुम्हें रिजाइन कर दो ये कहीं की समझदारी नहीं है। कहां कहां से भागोगी तुम? मैंने पूरे स्टाफ से बात की, तुम्हारे सारे कलीग्स अपने किए हुए बर्ताव पर काफी शर्मिंदा हैं। सब तुमसे बात करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, इनफैक्ट पहले की तरह तुम्हें अपनाना चाहते हैं। कम कम, लेट्स टॉक टू देम। चलो a very happy birthday. Thank you, sir. Seema, wouldn't you like to wish him? Happy birthday. Ah. I think, guys, aap sabko Seema se kuch kehna hai, right? Yes. Please. Sorry. Very good. Aur ab isse pehle aap log cake kaate, main aap sabko phir se ek bar yaad dila dun कि सीमा पिछले 1.5 महीने से नियमित दवा ले रही है और डॉट्स का कोर्स शुरू करने के कुछ समय बाद ही टीबी पेशेंट से दूसरों को संक्रमण का इंफेक्शन का खतरा एकदम खत्म हो जाता है। तो फिर डरने की क्या बात है, राइट? राइट। अभिषेक, कैन आई आस्क वन मोर फेवर फ्रॉम यू? जरूर। मैं चाहूंगा आज आपके साथ साथ ये केक सीमा भी कट करे, क्योंकि इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर हर। Yes, guys? Yeah. Come on, clap for both of them. तो देखा आपने कि किस तरह मैनेजर साहब के एक छोटे से प्रयास से सीमा के साथ काम करने वाले उसके साथ पहले की तरह अच्छा बर्ताव करने लगे।